ये बिल्डिंग रुस्तम जी पैरामाउंट है, जो कि खार के वेस्ट एरिया में स्थित है, और इसी में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता यानी टाइगर श्रॉफ 8 BHK फ्लैट लिए हैं, जो कि टॉप फ्लोर पे है और ये सी फेसिंग हाउस है। अब टाइगर श्रॉफ का ठिकाना बदल जाएगा, क्योंकि अभी वो बांद्रा में रहते थे, अब वो खार के वेस्ट एरिया में पूरे फैमिली के साथ रहने वाले हैं। वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल, आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से ब्लॉग में। मैं फिर से आ चुका हूँ बॉलीवुड सेलिब्रिटी का हाउस टूर करवाने के लिए। मैं अभी मौजूद हूँ खार के वेस्ट एरिया में। बॉलीवुड के अंदर में बहुत बड़ा स्टंट मास्टर है, बहुत बड़ा डांसर है, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, वन एंड ओनली टाइगर श्रॉफ का हाउस टूर करवाने वाला हूँ। वो कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है और किस बिल्डिंग में, क्योंकि इससे पहले वो बांद्रा में रहता था और अभी किस लोकेशन पर है वो, क्योंकि वो खार वेस्ट में वो शिफ्ट हो चुका है। ये रुस्तम जी पैरामाउंट्स के टॉप फ्लोर यानी 22वें मंजिल पे वो 8 BHK का फ्लैट ले रखा है, जिसका कॉस्ट 30 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। तो वही आपको हाउस टूर करवाने वाला हूँ। वो हाउस सी फेसिंग हाउस है वो, और टॉप फ्लोर पर डायरेक्ट अरब सागर का वो नज़ारा लेता है। तो वही हाउस का टूर करवाने वाला, वही हॉस्ट दिखाने वाला, किस लोकेशन पे, उसका पूरा एड्रेस बताऊंगा एंड उसके इंटीरियर का भी आप लोग का रूबरू करवाऊंगा, उसके अंदर के इंटीरियर किस तरह से सजाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते एंड प्यार से कमेंट कर जरूर बताइए ब्लॉग कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट। ये जो आपको बिल्डिंग बड़ी सी दिख रही है ना भाई, इससे पहले भी ऐसी गगनचुंबी बिल्डिंग वो रह रहे थे जो बांद्रा में था, और ऐसा ही बिल्डिंग यहाँ पे भी वो चूज किया है। इसके टॉप फ्लोर पे ना, ये रुस्तम जी पैरामाउंट्स के टॉप फ्लोर पे वो रहते हैं, जिसका कॉस्ट 30 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। और ये सी फेसिंग हाउस है, ये वहाँ से डायरेक्ट अरब सागर का नज़ारा, वो जैसे वो बालकोनी में आएगा ना, डायरेक्ट उसको अरब सागर का नज़ारा वो देखने को मिलेगा। वहाँ से ठंडी ठंडी हवा इसके घर और इसके बालकोनी तक जाती है भाई। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आगे चल के भी पैरामाउंट्स का रूबरू करवाते हैं। और इसी एंट्री अभी वो यहीं पर बराबर आते जाते रहते हैं। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप तो वेट करेंगे तो किसी न किसी गाड़ी में उसको आप देख ही लेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं नज़दीक जाके इस बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा है आगे से। वैसे बिल्डिंग यही है, ये जो सामने से बिल्डिंग इसी टॉप फ्लोर पे ना, इसी पे रहते हैं टाइगर श्रॉफ पूरे फैमिली के साथ। पूरा 8 BHK का फ्लैट, और इसमें 2 BHK 4 एंड 6 एंड 8 BHK का भी फ्लैट अवेलेबल है। ये पूरी फ्लैट अभी तक नहीं लगा, कुछ कुछ फ्लैट अभी भी बाकी थे आप। तो चलिए सीधा नजदीक ले जाके दिखाते हैं कि पैरामाउंट सामने से लुक वाइज कैसा देखने को मिलता है। और ये टोटल 3 टावर है, तीनों टावर के एंट्रेंस एक ही है, ABC करके ऐसे विंग है, जो कि अभी विंग में टाइगर श्रॉफ ने फ्लैट लिए हैं। तो चलिए आपको सीधा ले चलते फ्रंट साइड में और दिखाते फ्रंट से लुक वाइज इसका कैसा देखने को मिलता है। तो सामने से कुछ ऐसा देखने को मिलता है, सामने लिखा है रुस्तम जी पैरामाउंट्स, जो रुस्तम जी बिल्डर का नाम है और पैरामाउंट्स पूरे बिल्डिंग का नाम है। टोटल 3 विंग है, बी विंग में टाइगर श्रॉफ ने अपना फ्लैट ले रखा है, जो कि टॉप फ्लोर पे 22वें मंजिल पे अपना फ्लैट ले रखा है, क्योंकि वहां से सीधा अरब सागर का नजारा वो लेने वाले हैं। खिड़की से या बेड से भी वो सीधा सीधा अरब सागर का नजारा लेने वाले। इस सोसाइटी के गेट पे एक व्हाइट कलर का पूरी खूबसूरत से एक मंदिर तैयार किया गया, जो कि सोसाइटी की तरफ से प्रेशराइज करने के बाद वो बिल्डर बनाया गया है। और ये काफी हाईफाई एंड पॉश एरिया है, इसके जस्ट बाजू में गाइज बहुत सारा आपको चौल भी देखने को मिल जाएगा गाइज। उसी बीच में ये बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी है, जो कि नाम है रुस्तम जी पैरामाउंट्स गाइज, और देखने में काफी लुक वाइज अच्छा लगता है। पूरा फ्लोर में ग्लास लगाया गया है, जो कि देखने में काफी ही बेहतरीन लगता है। मैं आपको पहले बता दूं कि टाइगर श्रॉफ इससे पहले जहां रहते थे वास्तु में बांद्रा में है, वो भी इसी तरह गगनचुंबी इमारत है, उस इमारत में ही वो रहते थे। बट अभी उन्होंने चूज जो किया वो भी एक गगनचुंबी इमारत, ये ऐसे लंबी टावर में वो रहते थे, लंबी टावर ही उन्होंने चूज किया। ये काफी हाईफाई एंड पॉश एरिया है, आजू बाजू में चौल वॉल मिल जाएगा, बट हाँ ट्रैफिक एरिया है गाइस। आप सभी को बता दे गाइस कि टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती से कृति सनन के साथ डेब्यू किया था, उस समय इसका फेस एकदम नया नया था। बट आज के टाइम में टाइगर श्रॉफ को कौन नहीं जानता है भाई, हर कोई जानता है। बट इसके फादर के थ्रू ही कहीं ना कहीं आया बॉलीवुड, बट इन्होंने अपना पहचान बनाने खुद
खुद के दम पे, और आज के टाइम में उसको कौन नहीं जानता, बॉडी बिल्डर इसके जैसा किसी के पास है ही नहीं भाई। स्टंट में तो टॉप पे है गाइस, डांस में भी टॉप पे, मतलब हर एक फील्ड में ना इसके जैसा बॉलीवुड में कोई सेलिब्रिटी नहीं है गाइस। अब आपको बता दें कि जो ये स्टंट करता है ना, ये रियल में स्टंट करता है, बट बॉलीवुड में जितना भी सेलिब्रिटी है सब के सब VFX के कमाल पे वो स्टंट करते, बट इसका जो होता है ना स्टंट वो रियल होता है, ज़्यादातर वो रियल ही होता है। डांस लेवल में हाई फाई, मतलब ये पूरी तरह से परफेक्ट है, और ये बहुत ही मेहनती है गाइस, हर टाइम आपको मेहनत करते हुए दिख जाएगा। और हर एक संडे ये जुहू में एक मैदान है, स्पोर्ट्स मैदान है, उसमें हर एक संडे ये फुटबॉल भी खेलने जाते हैं गाइस, और आज के टाइम इसको कौन नहीं जानता है गाइस। और ये आज के टाइम में किसी भी फिल्म में एकदम फिट बैठता है, ज़्यादातर ये एक्शन मूवी ही करते, बट हाँ अब कोई मूवी नहीं करते, बट इनको जो जज जाता वही ये मूवी करते हैं गाइस। और आज के टाइम में इसका फीस बहुत ही हाई एंड फाई है गाइस। तो इसी घर में अब वो टाइगर श्रॉफ और उसके पापा जैकी श्रॉफ, उसकी मम्मी एंड उसके सिस्टर के साथ इसी घर में वो रहने वाले हैं गाइस। ये घर बहुत ही हाई फाई एंड पॉश एरिया है, इसके जस्ट थोड़ा थोड़ा ही दूर में बॉलीवुड के और भी तमाम सेलिब्रिटी भी रहते हैं, उसी में से एक अब टाइगर श्रॉफ भी इसी घर में यानी अपना घर में रहने वाले हैं, जिसका कॉस्ट 31 करोड़ रुपया बताया जाता है गाइस। तो यही था आज का ब्लॉग, ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते किसी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।